नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पानीपत से, जहां 50 लाख की फिरौती और लूट में शामिल दो आरोपी पुलिस के हाथों चढ़ गए, जिनकी जानकारी खुद CIA के प्रभारी संदीप कुमार ने दी। आपको बता दें कि पकड़े हुए आरोपियों से एक अवैध पिस्तौल, एक कट्टा और 9 गोली बरामद हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के बाकी 4 साथी फरार हैं। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 लड़के रिफाइनरी पुल के पास लूट की योजना बना रहे हैं, जो इस संबंध में हमने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके वहां भेजी, उनको काबू किया। जो काबू करने पर लड़कों से जब नाम पता पूछा तो एक लड़का प्रदीप और दूसरा लड़का आदर्श, जो दोनों करनाल के रहने वाले हैं, इनसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ जो हमारे यहाँ के पुराने मुकदमे हैं उनका खुलासा हुआ है। फरवरी महीने के अंदर पिछले साल हमारे यहाँ बैंक HDFC में लूट हुई थी 14.5 लाख रुपये की, उसमें ये दोनों शामिल थे, इनके अन्य साथी भी शामिल थे। और इन्होंने एक अन्य मामला, जो अपना गैस गोदाम यहाँ नज़दीक छोटराम चौक है, ये 3 लड़के आए, आदर्श अपना इसमें प्रदीप आदर्श आए मोटरसाइकिल के एक अन्य साथी के साथ, और पिस्टल के बल पर 50,000 रुपये की इन्होंने लूट करी थी।